नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मोहम्मद सफदर के पैरोल रिहाई में 5 रोज की तौसी। 12 सितंबर से 17 सितंबर शाम 4 बजे तक पैरोल पर रिहाई मिल गई। नोटिफिकेशन भी इस बारे में जारी कर दिया गया है। मजीद जानते हैं मोहम्मद हसन रजा से। मोहम्मद हसन रजा, बताइए इस बारे में। जी बिल्कुल, महकमा दाखिला पंजाब ने जो है वो बाकायदा तौर पर 5 रोज की तौसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, उनकी बेटी जो है मरियम नवाज शरीफ और उनके हस्बैंड जो है कैप्टन रिटायर मोहम्मद सफदर, इनको पेरोल पर जो है पहले सिर्फ 12 घंटे के लिए जो है पेरोल पर रहा किया गया था। उसके बाद जो है वो अडयाला जेल से लाहौर जाती उमरा पहुंच गए और गुज़श्ता रोज 3:30 बजे जो है इनकी पेरोल पर रहाई का वक्त जो है वो खत्म हो गया था। और उसके बाद जो कानून के मुताबिक जो है वो कैबिनेट से अप्रूवल लेना जरूरी थी और वजीर आला पंजाब ने इब्तदाई मंजूरी दी और फिर कैबिनेट से थ्रू सर्कुलेशन जो है बाकायदा तौर पर मंजूरी ली गई। और उसके बाद आज महकमा दाखिला पंजाब ने 5 रोज की मजीद तोसी का जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक जो है 12 सितंबर 2018 यानी कल से जब से तारीख जो है वो मुकर्रा वक्त जो है पेरोल पर खत्म हुआ था, उस वक्त से लेकर 17 सितंबर 2018 तक जो है शाम 4 बजे तक जो है इनको बाकायदा तौर पे पेरोल की जो है मजीद रहाई का वक्त दे दिया गया है। और इस नोटिफिकेशन के अंदर जो है बाकायदा तौर पे लिखा गया है कि वो किसी भी दूसरी जगह जो है वो नहीं जा सकते और उनके साथ जो है वो पुलिस जो है उसका स्क्वाड जो है वो उसको मॉनिटर करेगा, उनकी सिक्योरिटी के हवाले से देखभाल करेंगे। और इसके अलावा अगर उनको कहीं जाना पड़ेगा तो वो मुतलका जो है वो सिक्योरिटी हुकाम से रब्ता करेंगे, उनके साथ जो है वो सिक्योरिटी अहलकार मौजूद होंगे। और उनके साथ साथ जो है वो किसी भी जो है वो जहाँ पे ज्यादा आवाम होगी वहाँ पर ये नहीं जा सकेंगे। और इस हवाले से वापस जैसे इनका टाइम खत्म होगा यानी 17 सितंबर शाम 4 बजे ये फौरी तौर पर वापस जो है वो रवाना हो जाएंगे अडयाला जेल और रावलपिंडी, इनको वापस जो है वो जेल में मुंतकिल कर दिया जाएगा। आज 13 सितंबर जो है आज के दिन ये बाकायदा तौर पर महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी किया है और ये मरियम नवाज शरीफ का अलग जारी नोटिफिकेशन किया गया है। इसी तरह कैप्टन सफदर का जो है वो अलग से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तीनों अफराद के जो है वो नोटिफिकेशन अलग से बाकायदा तौर पर महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से जारी किए गए हैं, जिसमें उन्होंने वाजा तौर पर जो है वो लिख दिया है और इसकी कॉपियां जो है वो चीफ सेक्रेटरी पंजाब, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और सेक्रेटरी टू वजीर आला पंजाब, आईजी पंजाब और उनके साथ साथ स्पेशल ब्रांच इंटेलिजेंस ब्यूरो और डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी और लाहौर और उनके साथ साथ बाकी जितने भी मुतलका अफसरान हैं और सेंट्रल जेल है उन तमाम अफराद को भिजवा दी गई है। ये मामला काफी दिन से रुका हुआ था और ये चल रहा था कि शायद ये नोटिफिकेशन जारी होता है या कानूनी है या गैर कानूनी है और अभी तक नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं हो रहा। और ये काबीना के पास इख्तियारात थे और क्योंकि पाकिस्तान प्रिजन रूल्स के मुताबिक जो है महकमा दाखिला सिर्फ 12 घंटे की जो है वो पेरोल पे रिहाई दे सकता था और उसके बाद जो है बाकायदा तौर पे समरी जो है चल पड़ी थी लेकिन मंजूरी नहीं दी गई थी और गुज़श्ता रोज जो है उसकी मंजूरी दी गई थी और नोटिफिकेशन का इंतजार था जो आज जो है आज की तारीख में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी, आज की तारीख में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, मजीद तौसी कर दी गई है पेरोल में। शुक्रिया मोहम्मद हसन रजा।